वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से 2023 की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए 4400 से भी ज़्यादा पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आप सभी लोग आने वाली 24 नवम्बर यानी कि 24 नवम्बर 2023 तक घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आवेदन कर पाएंगे। आगे इस वीडियो में आपको आवेदन करने की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आवेदन शुरू हो चुके हैं और साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या फिर 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं है और साल 2023 के खत्म होते होते आप लोग एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। दोस्तों आपको बता दें, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से अभी से कुछ ही टाइम पहले नोटिफिकेशन आया है, जहां पे आपको बंपर वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के उम्मीदवार ऑल इंडिया लेवल पर यानी भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा वेतन आपको 19,900 रुपए से लेकर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि 1 लाख से भी ज्यादा होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे बेसिकली आपको असिस्टेंट की, स्टोनोग्राफर की, ड्रॉट्समैन की और भी कई सारी पोस्टों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप लोग वीडियो में आखिरी तक जरूर से बने रहिएगा। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन और आवेदन कैसे करना है उसके बारे में। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं जल विभाग भर्ती है 2023 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप सभी के लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई है सरकारी सोच.com पे। अभी इस पे वर्क पेंडिंग है, यानी कि काम स्टार्ट है, जल्दी ही ये अपडेट की जाएगी। आप लोग टाइम टू टाइम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपको 4497 यानी कि 4497 पोस्ट वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बेसिकली हम कुछ पोस्टों के नाम यहां पे आपको बताते हैं। जैसे देख सकते हैं, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की, लोअर ग्रेड स्टोनोग्राफर की, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की और यहां पे जियोलॉजिकल असिस्टेंट के साथ आपको ड्रॉप्समैन की पोस्टें भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा असिस्टेंट ड्रॉप्समैन और अदर पोस्टें भी हैं, जिनके लिए आपको आवेदन करने का मौका मिलने वाला है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। आपको बता दें 24 नवंबर 2023 आखिरी डेट है और ऑलरेडी आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। अप्लीकेशन फीस के बारे में आगे सरकारी जॉब टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखेंगे। वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट, जहां पे आपको ऑल इंडिया लेवल की जॉब मिलने वाली है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन के बारे में। ऑन एवरेज आपको 40 से 45 हज़ार इन हैंड में वेतन मिलेगा किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहां पे आपका 10th पास 12th पास डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप खाली यानी कि केवल 10वीं पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कैसे आवेदन करना है और आपका यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन आपको बता दें CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस पे आप सभी का चयन होना है। सिंगल स्टेप है, आपका केवल और केवल एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करने पे आपको जॉब यहाँ पे मिलने वाली है। आइए अतिरिक्त डिटेल यानी फुल जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जल विभाग की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2023 के बारे में, जिसके बारे में आपको बेसिक अपडेट हमने ऑलरेडी दे दी है। वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट है ऐसा कह सकते हैं, जहां पे इस बार आपको 4497 पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। मेल एंड फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। यहाँ पे आपको स्टोनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और असिस्टेंट के साथ कई सारी ऐसी
पोस्टें मिलेंगी जहां पे केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। 24 नवंबर आपको डेट को ध्यान में रखना है, 24 नवंबर आखिरी डेट है। ऑल इंडिया लेवल की आपको जॉब मिल जाती है जहाँ पे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो आपके काम की लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको नहीं मिल पाएगी। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं सरकारीjobtv.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। आप सरकारीsoch.com पे भी जा सकते हैं, गूगल पे आपको टाइप करना होगा। यहां पे देखें जल विभाग की भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है, 2023 के लिए भर्ती है, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं एवरेज क्या रहेगा, आपकी यहाँ पे एज वगैरह बताई गई है। वाटर डिपार्टमेंट इक्विपमेंट है 2023 के लिए, जहाँ पे आपको 4497 पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर सोर्स डिपार्टमेंट यहां पे आपको मिलता है, जहां पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी, लोअर ग्रेड स्टोनोग्राफर, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जियोलॉजिकल असिस्टेंट और ड्रॉप्समैन असिस्टेंट के साथ यहां पे आपको ड्रॉप्समैन की पोस्टें भी देखने को मिलने वाली हैं। 4497 पोस्टें हैं, गवर्नमेंट जॉब है। 10-12 डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट यहां पे आवेदन कर पाएंगे। 18 से लेकर आपकी 40 साल की एज है। SC/ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 सालों की छूट है। बात करते हैं वेतन के बारे में, ऑन एवरेज इन हैंड में 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिलने हैं। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है। यहां पे आप देख सकते हैं 3 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक आपको आवेदन करने का समय दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहां पे आपका दिया गया क्वालिफिकेशन, कौन कौन आवेदन कर सकता है, देखिए यहां पे ऑल इंडिया लेवल की आपको जॉब मिल रही है। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन करेंगे, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 नॉर्मल एज है, OBC के लिए 18 से 43 और SC/ST के लिए 18 से 45 साल की एज यहां पे रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं हम सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है। वेतन यहां पे 19,900 सबसे कम है, यानी कि स्टार्टिंग का वेतन है जो सबसे 10वीं पास वाली पोस्टें उनकी, और 1,42,400 हाई लेवल की पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस यहां पे सभी कैटेगरी का अलग होगा, ओपन कैंडिडेट का अलग है, BC हॉर्फन और यहां पे जो अलग कैंडिडेट है उनका अलग है, एक्स सर्विसमैन का अलग है। ओपन कैटेगरी का फिर से आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अलग अलग एप्लीकेशन फीस यहां पे आपको देना होगा, एक्स सर्विसमैन वगैरह का एप्लीकेशन फीस यहां पे नहीं लगने वाला। इसके बाद यहां से नीचे आएंगे, यहां पे कोई भी हाइट वगैरह यानी फिजिकल की डिमांड नहीं करी गई है। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं और कैसे आवेदन करना उसके बारे में भी आप यहां पे देख सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट के अंदर आपको सभी तरह की डेट्स मिल जाती हैं, कब से लेकर कब तक आपको आवेदन करना है। इसके बाद यहां पे आते हैं इंपोर्टेंट लिंक्स में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको आपको जरूर से ज्वाइन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाता है, आप यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ड्राइव के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट भी है और यहाँ पे अदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एयरपोर्ट की वैकेंसी मिल जाएंगी, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी मिल जाएंगी, PWD डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं और एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग की भर्ती के साथ आपको अपकमिंग RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वैकेंसी भी देखने को मिल जाती है। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।